ठीक है, आई कैन शो यू समथिंग जो विच विल चेंज दिस थिंग. यू वांट टू सी व्हाट हैपेंड इन यूएस? या लाइक व्हाई नॉट. ओके, सो लेट मी शो यू अ शॉर्ट 6-7 मिनट वीडियो. तुम खुद देखो अमेरिका में लोगों का क्या रिस्पांस. यू सेइंग बिफोर द ट्रेलर वी आर प्लेइंग दैट? वी कैन. यू वांट मी टू? व्हाट डू यू पीपल से? शैल वी? एक बार जोरदार तालियां हो जाए एंड ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन. तो इंप्रोवाइज करना जरा उसको प्लीज. He's gonna take my case. वो बोलेगा ये क्या करवाया? So yes, ladies and gentlemen, I'll move out. You show this. No, no, see, I'm serious. You think I'm kidding? No. No, I got it. A movie है ना? Just show it. So I just want to show you because कहीं ऐसा ना हो लोगों के दिमाग में doubt. Just see what happened in US and how Americans and Africans and Asian people reacted to it. Let's do it, sir. Let's do it. Come on, हो जाए. यूएस में बोल सकते हैं सब लोग दिल खोल के, तो हम क्यों नहीं बोल सकते? भारत माता की जय. भारत माता की जय. ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल आईज अगेन ऑन द बिग स्क्रीन एज वी प्ले द ट्रेलर ऑफ द वैक्सीन वॉर फॉर ऑल यू वंडरफुल पीपल फॉर द फर्स्ट टाइम. समथिंग एक्सक्लूसिव. सो मच, यू नो, बड़े सारे लोगों ने बस सिरे से नकार दिया था, बिना सोचे समझे, बिना उसकी तह तक जाए, जो कि अब विवेक सर ने यहाँ किया है और सबके सामने लेके आए. इसी के साथ मैं इस मैवरिक डायरेक्टर को एक बार वापस से स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, विवेक रंजन अग्निहोत्री. लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां बजाएं प्लीज. और विवेक सर के साथ साथ मैं यहाँ बुलाना चाहूंगा उन्हें, जो कि एक रियल लाइफ किरदार जो है उसको प्ले कर रहे हैं. और जब 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 पर्दे पे इनको हम देखते हैं, ये सच में उस किरदार को जीते हैं. इज नॉट जस्ट एन एक्टर, he's a wonderful, wonderful actor, a wonderful human being. Give it up for Nana Patekar sahab, ladies and gentlemen. Please, state sir, aaiye please. Nana sir ke liye zordar taaliyan ho jaye please. Aur ab jinhein main bulana chahunga, of course we are talking about women empowerment. Ye hai asli feminism. और इसी सब में कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं और अपनी अपनी अदाकारी से हर बार हमारा दिल जीत दिया है. गिव इट अप फॉर पल्लवी जोशी लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां बनती ऑफ कोर्स द ब्रिलियंट एक्टर एंड द फैबुलस प्रोड्यूसर हियर. और अब मैं जिन्हें यहां बुलाने जा रहा हूं, उनके उनके ऊपर कहीं ना कहीं ये किरदार जो नाना सर का है वो है. एंड सीरियसली एन ऑनर कि सर आज हमारे साथ हैं यहाँ पे. डॉक्टर बलराम भार्गव जी हमारे साथ हैं. जोरदार तालियां, जितना कहा जाए उतना कम है. इनके ही नेतृत्व में, इनके ही नेतृत्व में हमारे देश की हमारी अपनी वैक्सीन बनी है. जितनी तालियां आप बजाएंगे उतनी कम होगी. इमीडिएट पास डीजी आईसीएमआर. वेलकम सर. अ रियल सुपर हीरो, अ मैन हु लेड द एंटायर वैक्सीन प्रोजेक्ट. एंड इफ वी आर सिटिंग हियर टुडे without mask is because of Dr. Bhargav and his leadership. Thank you so much, sir, for doing this. एक-एक भारतवासी की ओर से और दुनिया में, देश दुनिया में जहां तक हमारी वो वैक्सीन गई है, सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. विवेक सर, सबसे पहला सवाल, थोड़ा सा मुझे ये बताइए. अभी हम यहाँ डिस्कस भी कर रहे थे, when you went to sign नाना सर, मतलब वो थोड़ा सा लग रहा था सर कि सर हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, या मैं आगे पूछ नहीं पा रहा हूँ सर, आप समझ गए? सच बोलो, जरा भी झूठ बोला तो मेरे हाथ में माइक है. यही पूछना चाह रहा था सर मैं कि जरा भी डर नहीं लगा? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली, मुझे सबने बोला कि नहीं नहीं किसी को भी साइन करो, नाना को नहीं, पागल हो गए हो क्या? मुझसे सबने ये बोला बुढ़ापे में पिटना है क्या? Everybody told me कि नाना के साथ जाओगे और उसे कुछ अच्छा नहीं लगा, अगर तूने थोड़ा भी 10% कॉम्प्रोमाइज किया काम में या बोला अच्छा जल्दी है ये एंगल चेंज करते हैं तो वो मार देगा पकड़ के. तो जो मैंने फिर पल्लवी ने काम किया, मैंने पूछा क्या, तो पल्लवी ने बताया मुझे कि काम को लेके नाना, और सिर्फ अपने ही नहीं दूसरे का भी सेट पे. तो जब मैं नाना से मिलने गया, एक तो पता नहीं कहाँ रहते हैं, बोले पूना में रहते हैं. पूना में नहीं रहते हैं, झूठ बोलते हैं. ये पूना से दूर एट दी एंड ऑफ द वर्ल्ड कहीं एक फार्म हाउस है खड़क वासला में, वहाँ रहते हैं. तो मैं वहाँ गया
तो नाना ने हमारे लिए बहुत सारा खाना बनाया, खुद अपने हाथ से खिलाया। मैंने कहा खिलाना पड़ता है, तो मैंने कहा बकरे को हलाल करने के पहले खूब खिलाया, खिला रहे स्टेडियम। फिर मुझे रहा नहीं है, मैंने कहा लेट्स कट इट शॉर्ट। मैंने कहा नाना तो मुझे 4-5 झापड़ मार देना, लेकिन ये रोल जैसा लिखा एग्जैक्टली वैसे ही करोगे कि नहीं। एंड आई प्रॉमिस यू, नाना वॉज लाइक अ चाइल्ड ऑन द सेट। जिन लोगों ने काम किया सब जानते हैं, 24 घंटे सबको दौड़ाना, खुद सबसे पहले पहुंचना। एंड ही, मैं जब इनके रूम में गया वहाँ पे लखनऊ में, जब हम लोग पहले दिन स्वीट में, तो वहाँ पूरे स्वीट में सिर्फ कागज ही कागज बिखरे हुए थे। और मैं घुसा और नाना ने कहा विवेक सीन नंबर 79 ये सुन, लिख लिख के जो मिल जाता था उसे पकड़ के मेरे डायलॉग। एंड ही वर्क सो हार्ड, क्योंकि इतने डिफिकल्ट डायलॉग्स थे, टेक्निकल हैं, इंग्लिश में भी है। अंग्रेजी हमको उतनी अच्छी आती नहीं है, तो हम रट लेते थे बट इट वॉज, और सिंग साउंड था वो सुधार नहीं सकते, सिंग साउंड का भी प्रॉब्लम है, बट मेरी जिंदगी का मेरे ख्याल से इससे अच्छा एक्सपीरियंस कभी नहीं। थैंक यू सो मच सर ये शेयर करने के लिए। नाना सर दिस वन्स फॉर यू, आपके लिए यही सवाल है। ये पूरी जर्नी अगर मैं बोलूँ, इतनी सारी कमाल की फिल्में आपने की हैं, दिग्गज आपको माना जाता है ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, यहाँ पे क्या खास था जो आपको हिट किया सबसे ज्यादा? बिकॉज वो दिख रहा है, वो आंखों में दिख रहा है वो इमोशन। एक जिस तरह की फिल्म है उसके लिए पहले तो ये ताज्जुब था कि मुझे क्यों चुन रहा जी, क्योंकि मैं बिल्कुल अनाड़ी, मैं देहाती आदमी हूँ, जंगली, मैं तो बिल्कुल मतलब अपने में वो सोफिस्टिकेशन नहीं जो वो चाहता था। अब उधर देखो और इधर देखो। अब इन्होंने कहा कि उनको मिलोगे आप, उनसे बात करोगे, मैंने कहा नहीं, वो इम्प्रेशंस रहते हैं और फिर वो अनजाने में वो तुम्हारे कहीं हो, तुम कॉन्शियस हो जाते हो। तो मैंने कहा मैं होने के बाद जैसे तू बताएगा वैसे मैं करूँगा। और होता ऐसे है कि आज भी मुझे लगता है ये मेरी आखिरी चांस है, पहला और आखिरी। उस तरह से काम करो तो आसान हो जाता है, सरेंडर करो, और अगर उसमें कुछ बुरा है तो मेरी वजह से है, अच्छा है तो इसने वो बोया हुआ। मैं सच कहता हूँ, तो इतनी मेहनत करता है, हालांकि इतना काम करवाया इतना काटा है, ऐसा बहुत काम करवाता है वो सुबह से लेकर शाम तक। मैंने वैसे ही बोल दिया था कि मैं 8 घंटे के ऊपर काम नहीं करूँगा, बावजूद उसके 10-12 घंटे काम करवा। झूठ है, ये जाते नहीं है, ये कहते और काम करवा, प्रॉब्लम ये काफ़ी मतलब ऐसे कोई भी हमारे यहाँ कोई भी किसी की तकरार नहीं थी, हालांकि थक जाते थे हम। और इतना बर्बोस है ना, बहुत बोलना टेक्निकल है, अंग्रेजी तो हमारी वैसे ही मतलब हुआ कमाल, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कमाल के। बाकी के सभी पढ़े लिखे हैं, सभी पढ़े लिखे हुए हैं हमारे यहाँ के आर्टिस्ट हैं, बाद में बुला लो ऊपर। बिल्कुल सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहाँ पे पहले, जो हमें देखने को मिली। और ऑफ कोर्स हमारी विमेन साइंटिस्ट्स, और साथ ही अगर आप यहाँ इस समय देखेंगे जितने हमारे एमिनेंट जर्नलिस्ट्स हैं उनमें भी बहुत सारी जो महिलाएं हैं दे आर जस्ट यू नो किलिंग इट इफ आई कैन से दैट, तो एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। यू नो इतने सारे कमाल के जर्नलिस्ट एंड फीमेल्स, आप मुझे बताएं आपकी जर्नी ये सब कैसी रही इसमें, और सर ने इस बार थोड़ा वो थोड़ा कष्ट दिया या वॉज ही लाइक अ गुड डायरेक्टर दिस टाइम आल्सो? नो, ही इज ऑलवेज अ गुड डायरेक्टर। This was a wonderful experience. As always, it's fun working with Vivek. We've collaborated now for almost 3 films. But this became a very special film because under Dr. Bhargav's leadership, there were these bunch of scientists who were in their labs day and night, and together as a team, they made an impossible situation happened. We created our own vaccine. And this movie, while we were shooting for this movie, there was so much pride in our minds. Aur jis tarah hum sab jo actors yahan pe baithe hain, hum sab log, main aur mera scientist, hum sab logon ka yahi tha. And we all wanted to stay true to our characters. Aur itna zyada, jaise Vivek ne aur hamari puri research team ne jo interviews kiye the, इतना ज़्यादा उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया था इस दौरान, उसके बिना ये होता भी नहीं पॉसिबल, इंक्लूडिंग डॉक्टर भार्गव। एंड आई थिंक व्हेन आई सॉ ऑल द इंटरव्यूज़, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ये जो इंडिक फेमिनिज्म है, एंड आई कॉल इट इंडिक बिकॉज यू नो द वेस्ट लुक्स एट फेमिनिज्म फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट लेंस, लेकिन यहाँ पे हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे जो काम करती हैं, नॉर्मल बट नॉर्मल मिडिल क्लास वुमेन,
who go to their work daily, जो local में travel करती हैं, वो घर भी संभालती हैं, खाना भी बनाती हैं, सास ससुर की भी सेवा करती हैं, बच्चों का homework भी कराती हैं और at the same time वो बहुत अच्छी professional भी हैं. तो हमें लगा कि this is a, you know, this will be a very good, क्या कहें कि उनके लिए जैसे ये movie बनाई है, because जितनी भी हमारी scientists इसमें हैं, वो ऐसी ही हैं जो बिल्कुल हमारी जैसे बिल्कुल इंडियन वैल्यूज वाली जितनी भी महिलाएं होती है वैसी हैं वो. एंड इट वाज फन प्लेइंग देम एंड इट वाज ग्रेट कोलैबोरेटिंग विद डॉक्टर भार्गव एंड ऑफ कोर्स विद नाना द लेजेंड. इट वाज ही सेट्स इम्पॉसिबल टारगेट्स फॉर ऑल द एक्टर्स. सो इन्हीं की वजह से मेरे ख्याल से सभी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो गया. अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. एंड नाउ ऑफ कोर्स द रियल लाइफ हीरो डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे बताइए, यहां पे हम पढ़ रहे हैं इंडिया कैन डू इट, व्हाट मेड यू बिलीव इन दिस कि इंडिया कैन डू इट, जो आपने वो कदम उठाया? पहले तो आई लाइक टू कांग्रेचुलेट द मैवरिक डुओ, द पल्लवी जोशी एंड विवेक एंड नाना ने जो हमारा रोल मुझसे बिना मिले किया है. ही हैज नॉट मेट मी and he wanted to do it on a plain piece of paper and I think he has done tremendous amount of justice not only to my role but to the film but to humanity, to science and to India as a country. I think he has done it phenomenally well. Congratulations sir, bahut hi bahut. To vaccine ka jaise aap jante hain ki ye shatak bharat ka shatak hai aur is shatak mein जिस तरीके की हम लोग की लीडरशिप है तो उससे हम लोग सबका हौसला बहुत बुलंद है, पूरे भारत के एक एक नागरिक का हौसला बुलंद है. और उस बुलंद हौसले से हम लोग ने देखा कि हम लोग के जो वैज्ञानिक हैं और जो सब रोल लोगों ने प्ले किया है, सामने बैठे हैं, बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं. आपको मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहूँगा ताकि समय आपका थोड़ा लगा. चंद्रयान का वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि चंद्रयान में भारत के जो वैज्ञानिक हैं, जो IITs के सारे वैज्ञानिक हैं, वो अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट और उसमें चले गए हैं. और जो रीजनल कॉलेजेस के लोग वैज्ञानिक हैं और रीजनल छोटे छोटे कॉलेज, वो सब इसरो में हैं, उन्होंने मून पे पहुंचाया. तो इसलिए मेरी तो बिलीफ ये है कि ये शतक भारत का है और भारतीय लोग जेनेटिकली टैलेंटेड हैं, जेनेटिकली. Awesome. Wow, thank you so much. Gaurav hamare saath hai. It's such a pleasure that she's here with us. Zordaar taaliyan. Come on, we can make some more noise. Girija, oh, Godbole ji hamare saath. Wow. It's a pleasure to have you here, ma'am, hamare saath. And of course, we've all loved him. Tab se leke ab tak aur aage bhi pyar karte rahenge. As I said, bahut sari energy hai, bahut sara josh hai. Give it up for Mohan Kapoor saab, ladies and gentlemen. Mayuk ji hamare saath yahan pe hai. What again? Zordaar taaliyan for Mayuk. And Arvind Paswan saab ke liye zordaar taaliyan ho jaye. Presenting this superstar cast and of course the Kamal ka crew of this amazing film, The Vaccine War, releasing on the 28th of September. A quick photo up ho jaye. Aur isse pehle ki we do that, of course hamare distributor saab, जिनके लिए मैंने, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, पूरी इंडस्ट्री इनको बहुत रिस्पेक्ट की नजर से देखती है, बड़ी बड़ी फिल्में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. ऑफ कोर्स द वैक्सीन वॉर इज वन ऑफ देम. डॉक्टर जयंती लाल गणा साहब के लिए जोरदार तालियां. पेन मरुधर से द एवर सो कूल गणा साहब के लिए और तालियां बजा सकते हैं. ऑफ कोर्स सो वी लव यू एवरी टाइम यू कम हियर सर, माहौल बन जाता है. Yes, we'll have a quick photo.